को नहीं पता, हम नहीं जानते तो वही तो पूछे थे तुम्हारे दूध जहाँ लो बस रबड़ी जा रहा हूँ आज कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी है। आज के दिन हम सब मिलकर के देवराज इंद्र का पूजन करते हैं लाला। अच्छा हाँ, तो तुम्हेंगे नए नए दुपट्टा डाले, नए नए चुनरिया ओढ़े, कोई घूमट मारे, कोई घूमट खोले, ये गोपियां सब ताई से बैठे, ताई से बैठी लाला। बाबा मैं एक बात बताओ, क्या तू जय जय को पूजन काय को करो करता? अरे लाला, जब हम देवराज इंद्र का पूजन करते हैं ना, तो इंद्र प्रसन्न होकर के धरती पे जल की वृष्टि करता है, इससे अन्न पैदा होता है, हरी हरी घास उगती है। जब हरी हरी घास उगती है ना, हमारे बछड़ा गैया हरी हरी दूध को चुप करके अपना पेट भर के मीठा मीठा दूध देती है। जब हम तो पीते हैं लाला, तब अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं। तो जो पीछे ग्वाला बैठे पगड़ी बांधे, हाँ सब ताई से बैठे, ताई से बैठे लाला, नए नए दुपट्टा डाले, नए नए सुनरिया हो रहे, कोई घूमट मारे, कोई घूमट बोले, ये ताई से मान सब। हाँ सभी ये देवराज इंद्र के पूजन के इंतजार में बैठे मेरे लाल। बाबा एक बात कहूँ बुरी नहीं लगे, कहिए लाला। ये जो हम जानते हैं कि कभी सत्ता पर निर्भर है, लेकिन विशेषता देख तो केंद्र कहाँ का मालिक है, जो यादवों जैसे देवताओं को पूजा दे रहा है। अरे थोड़ा सा यज्ञ भवन कर तो उसने इंद्रासन पा लिया, तो तुमने अपनी मूर्खता से उसे देव सम्मान दिया, जो खुदे दूसरे के सारे बाबा हमें सारा क्या देगा। हमें समझ में नहीं आई बाबा, इंद्र हमारा क्या बनाएगा, क्या बिगाड़ेगा, इतना दूध दही बर्बाद कर। अरे लाला, जब पूजा हम आज की शुरुआत न कर रहे, जब पूजा हमारे दादा परदादा बैठे हैं पगड़ी बांधे, उनको उधर पेड़ और वृक्षों के नीचे बैठे हैं ना, ये पहले से करते आए, जब पूजा दास से आज हम कर रहे हैं। तो जो पुराने डोकरा करे सोई तुम कर, तुम कहना क्या चाहते हो? हम जो कहते हैं सुनो। हाँ हाँ, ये पीछे बैठे पगड़ी बांधे, हाँ, और जे बैठी नई नई चुनरिया ओढ़े, नए नए दुपट्टा डाले, हाँ, कोई मोटे हाथ लगाए, कोई कैसी बैठी। लेकिन बाबा हम तुम्हें एक बात बताएं, ये सब अंधेरे में भटक रही है। कैसे भटक रही लाला? सुनो बाबा, सुनाओ लाला। अंधेरी दुनिया, ओ बाबा, हाँ लाला, अंधेरी दुनिया भूले भूले भोलैया, मैं भोलानी जाया तेरी दुनिया, भूले भोलैया।
कौन की करते लाला? संतोषी देव। अरे और जब संतोषी कविता चली बहना उसमें मालूम है जब तक फिल्म चली संतोषी पूजिया ही गली गली और जाते पहले देखो नाम ना तो अब तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सच्ची देवी को भूल के तुम पत्थर की देवी को दीवानी हो गई। सच्ची देवी को न जानती एक लड़की बड़ी पढ़ी लिखी विद्वान दुल्हन मन के गोने में आई और बग सास रह जब मैं पचान विशाल की न मुंह में दांत न पेट में आंख है बस सास वाली बोली ये बहू चौखा में न जाइए। तो लड़की बोली क्यों मम्मी जवाब दो हमारे गांव में जो नई बहू आते हैं गांव के बाबा संतोषी को मंदिर पहले देवी को भोग लगाते हैं तब चौखा में जाते हैं। लड़की बोने में आई इसलिए वो बोली नहीं तेरे गांव वाली के लिए बोने में जवाब देने लगी चुप रही हाय बग सास नब्बे पचानवे साल की न मुंह में दांत न पेट में आंख वाने थाली सज अगरबत्ती धर ली माचिस रख ली हल्दी रख ली चावल रख ली बतासा रख ली दीपक जला के धर लो शुद्ध घी को और पांच रसगुल्ला सफेद वाले छेना वाले पांच रसगुल्ला धर ले वो कही चल दो अंगेला अंगेला डुकरिया पिछेला पिछेला बिटरिया जो गांव के बाहर मंदिर के पास पहुंची तो मंदिर के कंगूरा पैर जो पत्थर के शेर बने मुंह फाड़े पत्थर की सीर हाय बल लड़की ने जो शेर देखे एकदम सास ने कोलिया भर ले मम्मी हमें बचा मैया मोर बचा अम्मा मोर बचा एकदम से सास बोली बात बता लड़की कान लगी मम्मी ये शेर हमें खाए लिए एकदम से सास कान लगी कैसे घर को बाप की बेटी आए ये पत्थर के शेर है पत्थर के शेर ना खा। लड़की बोली मम्मी पत्थर के शेर हमें ना खाए तो पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए और बाने बूढ़ रसगुल्ला लो डुकड़िया के मुंह में जान तो है ना बूढ़ रसगुल्ला लो उस डुकड़िया के मुंह में भूस लो कहीं चलो मेरे लड़के तो मन यो से लो बाली और क्या बोली लड़की मेरी माँ से रावाली है मेरी माँ से रावाली है मेरी माँ और दूसरों रसगुल्ला लाओ सूप दुकड़िया के मुंह में मुंह से
वो कहते हैं अरे सतीश चंद यादव लोहरई के रहने वाले गुरुदेव की गली में मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मान कर रहे हैं। 21-21 मुद्राएं स्टाफ को दे रहे हैं, भगवान कर रही है सुख सुखीदे बाबा। हाँ लाला एक बात और बताऊं क्या लाला जे घूंघट मार बैठे हाँ हाँ जे जो घूंघट मार बैठी है इन्हें की बात इन्हें की बताओ जो सास लिया पानी मांगे लठिया लेती लगाई गई हो तो सावन जो ढोड़
देखिए कैसे मर जाते हैं। लोगों पाखंडियन की बातें इन पे बड़ा असर करती है, बहुत असर। पारसा तीव्र से एक हवा और चली शादी चली हो क्या मान जाए भांगे जके घर में मामा की तबीयत तो ठीक है। हम सोचे कि वो अस्पताल में भर्ती वर्ती न करके आ रही है। कहा लगी लला हम तुम्हें दूध पे आना है। हम दूध पे बजाए कहा लगी अपना भैंस को। हमने कही क्यों जवाब दो पंडा और बाने कही जितनी औरतें हैं सब अपने भांजे को दूध पे न उनके पति मर जाएंगे। और कहा कही पंडा ने बोली के माई जाए भांगे जके घर में